गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स में हमारी साइंस की बुक में हमारा चैप्टर ये फोर्थ चल रहा था, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स करके। तो मैंने इसमें आपको अभी तक जो है ग्रुप्स में कैसे बांटते हैं मटेरियल्स को, और एक मटेरियल से कितनी चीज़ें बन सकती हैं, ठीक है, और मटेरियल से कौन कौन सी जो है ऑब्जेक्ट कितने बन सकते हैं ये बताया था। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स बताया है, जैसे कि अपीयरेंस बताया है, इससे पिछली वीडियो में मैंने दिखावट यानी कि देखने में कैसी प्रतीत होती हैं वस्तुएँ, चमकदार होती हैं या चमकहीन होती हैं। तो हमारी अगली प्रॉपर्टी है मटेरियल्स की हार्डनेस यानी कि कठोरता, ठीक है, तो वो उसको आज हम पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ते हैं आज हम। When you press different materials with your hands, some of them may be hard to compress while others can be easily compressed. Correct? जब आप जो है किसी भी मटेरियल को यानी कि विभिन्न पदार्थों को जब आप अपने हाथों से दबाते हैं तो उनको दबाने पर वह या तो क्या कठोर प्रतीत होती हैं या कोई जो पदार्थ होते हैं वो आसानी से कंप्रेस हो जाती हैं यानी कि दब जाती हैं, दबाई जा सकती हैं। टेक ए मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विथ इट द सरफेस ऑफ अ पीस ऑफ वुड, एल्यूमिनियम, अ पीस ऑफ स्टोन, ए नेल, कैंडल, चॉक एंड एनी अदर मटेरियल और ऑब्जेक्ट। आपका क्या करिए कह रहा हो, एक धातु की चाबी यानी कि कोई चाबी लीजिए लोहे की, और उससे जो है लकड़ी की, एल्यूमिनियम की, और पत्थर को, लोहे के टुकड़े को, मोमबत्ती को, चौक को और किसी भी अन्य मटेरियल या पदार्थ को आप उसको स्क्रैच कीजिए यानी कि उस पर उसको घिसिए। यू कैन ईजिली स्क्रैच सम मटेरियल, आप कुछ पदार्थों को आसानी से जो है स्क्रैच कर लेंगे यानी उनके ऊपर आसानी से हुए घिस हुआ वे पदार्थ आसानी से घिस जाएंगे। वाइल सम कैन नॉट बी स्क्रैच सो ईजिली, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होंगे जिन पर आसानी से स्क्रैच नहीं पड़ेंगे, जो स्क्रैच नहीं हो पाएंगे। मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड ईजिली आर कॉल्ड सॉफ्ट, तो वे पदार्थ जो आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं यानी कि दब जाते हैं या उनके स्क्रैच आ जाते हैं आसानी से, तो वह पदार्थ मुलायम पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। वाइल सम अदर मटेरियल्स विच आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस आर कॉल्ड हार्ड, और जबकि वे पदार्थ जो आसानी से जो है कंप्रेस या कठिनाई से जो है कंप्रेस होते हैं या दबते हैं तो उन्हें जो है कठोर पदार्थ कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कॉटन और स्पंज इज सॉफ्ट वाइल आयरन इज हार्ड, यानी कि जैसे उदाहरण के लिए कॉटन हो गया कोई यानी कि कपड़ा, और स्पंज जो ये जो है सॉफ्ट होते हैं यानी कि मुलायम होते हैं, और जबकि जो आयरन होता है लोहा होता है वह हार्ड होता है यानी कि कठोर होता है। इन अपीयरेंस मटेरियल कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक लस्टर, हार्डनेस, बी रफ और स्मूथ, मतलब दिखावट में जो पदार्थ होते हैं वे उनमें अलग गुण पाए जाते हैं, जैसे कि वे चमकदार होते हैं या वे कठोर होते हैं या वे दिखने में जो है चिकने दिखाई देते हैं या जो है खुरदरे दिखाई देते हैं। कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ द मटेरियल, क्या आप पदार्थों की अन्य जो गुणधर्म हैं अपीयरेंस के अलावा दिखावट के अलावा उनको बता सकते हैं। तो उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स का, यानी कि जो पदार्थों का गुण होता है, अगला गुण है सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। सोल्यूबल मीन्स विलेय, इनसोल्यूबल मतलब अविलेय। सोल्यूबल मतलब जो, विलेय मतलब जो आसानी से किसी भी अन्य यानी कि सॉल्वेंट में घुल जाते हैं, और इनसोल्यूबल मतलब जो विलेय, वो पदार्थ जो विलेय नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक्टिविटी दर्शाई गई है आपकी, उसको देखते हैं। कलेक्ट सैंपल ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंसेस सच एज शुगर, साल्ट, चॉक पाउडर, सैंड एंड सॉडस्ट, टेक फ्यू ग्लासेस और बीकर्स, फिल ईच ऑफ वन ऑफ देम अबाउट 2/3 विथ वाटर, करा आप चीनी का, नमक का, चॉक पाउडर का, रेत का और धूल का जो है पदार्थ आप लीजिए और इनको 5 ग्लासों में आप या ग्लासों में या बीकर में इनको डालिए, और उस बीकर में 1/3 भाग पानी का डालिए, जैसे कि ये 2 बीकर दिखाए गए हैं इनमें 1/3 भाग पानी भरा हुआ है। एड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ स्पूनफुल ऑफ शुगर टू द फर्स्ट ग्लास, और पहले ग्लास में आप जो है 1 चम्मच चीनी डालिए, दूसरे में 1 चम्मच नमक डालिए, और इसी तरह से अन्य जितने हमारे बीकर बचे उनमें
चॉक पाउडर, सैंड और सॉडस्ट उनको डालिए। स्टिर द कंटेंट्स ऑफ ईच ऑफ डैम विद अ स्पून, और उनको जो जो हमने उनमें चीज़ें मिलाई हैं, जो पदार्थ मिलाए हैं, उनको आप घोलिए। वेट फॉर अ फ्यू मिनट, कुछ देर जो है रुकिए। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द सब्सटेंसेस एडेड टू द वाटर, आप क्या पाएंगे कि जो आपने वाटर में यानी पानी में जो पदार्थ घोला है उसके साथ क्या हुआ। नॉट योर ऑब्जर्वेशन एज शोन इन टेबल 4.3, आप जो अपने ऑब्जर्वेशन को जो आपने देखा उसको अपने जो टेबल है हमारी 4.3 इसमें नोट कीजिए। जैसे कि हम साल्ट है डिसअपीयर्स कम्प्लीटली इन वाटर, ये साल्ट जो है नमक जो है वो पूरी तरह से जो है पानी में घुल गया है। वैसे शुगर में भी क्या होगा, वो भी डिसअपीयर्स कम्प्लीटली इन वाटर होगा, ठीक है। सैंड, सैंड क्या होगा, नॉट डिसअपीयर होगा, ये डिसअपीयर नहीं होगा सैंड। चॉक पाउडर, चॉक पाउडर डिसअपीयर नहीं होगा, बल्कि ये जो है बॉटम में यानी कि सबसे नीचे जिस तरह से तली में बैठा हुआ है इस तरह से नीचे बैठ जाएगा। सॉडस्ट, सॉडस्ट जो होगी यानी कि जो धूल होगी वो भी घुलेगी नहीं, वो कहाँ आ जाएगी, टॉप लेयर में आ जाएगी वाटर लेवल के, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम पाएंगे कि कुछ पदार्थ तो जो होते हैं वो पानी में यानी कि जल में विलेय होते हैं और कुछ अविलेय होते हैं, यानी कि कुछ सोल्यूबल होंगे और कुछ इनसोल्यूबल होंगे, ठीक है। यू विल नोटिस दैट सम सब्सटेंसेज हैव कम्प्लीटली डिसअपीयर्ड और डिजॉल्व इन वाटर, आपने पाया कि कुछ पदार्थ पानी में पूरी तरह से घुल गए हैं और कुछ पदार्थ नहीं घुले हैं। वी से दैट दीज सब्सटेंसेज आर सोल्यूबल इन वाटर, तो हम कह सकते हैं कि जो ये पदार्थ हैं वो जल में घुलनशील है। अदर सब्सटेंसेज डू नॉट मिक्स विथ वाटर एंड डू नॉट डिसअपीयर इवन आफ्टर वी स्टेयर फॉर ए लॉन्ग टाइम, दीज सब्सटेंसेज आर इनसोल्यूबल इन वाटर। तो जो दूसरे पदार्थ हैं जो पानी के साथ नहीं घुलते हैं या पानी में घोलने पर भी जो है थोड़ी देर बाद पुनः दिखाई देने लगते हैं, ठीक है, तो वह पदार्थ जल में अघुलनशील होते हैं, इनकी इनको अविलेय कहा जाता है, ठीक है। तो एक एक्टिविटी भी दिखाई गई है यहाँ पे, कलेक्ट सैंपल्स ऑफ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल एंड कोकोनट ऑयल, केरोसिन एंड एनी अदर लिक्विड, ठीक है। ग्लास टम्बलर, तो ये इन चीज़ों को आपने लेना है और ग्लास लेना है, शीशे का ग्लास लेना है और फिल इट हाफ विद वाटर, उसको आधे पानी से भरना है। एड ए फ्यू स्पूनफुल्स ऑफ वन लिक्विड टू दिस एंड स्टीयर इट वेल, और आपने जो है ये घोलना है उसमें और कुछ देर बाद 5 मिनट तक रुकना है और ऑब्जर्व वेदर द लिक्विड मिक्सिस विद वाटर, और ऑब्जर्व करना है एक एक करके कि ये जो लिक्विड्स हैं जो हमने लिए थे वो पानी में मिक्स हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। रिपीट द सेम विद द अदर लिक्विड्स एज मैनी डिफरेंट लिक्विड्स आर अवेलेबल टू यू, और ऐसा ही आप अगर आपके पास मौजूद हों अन्य लिक्विड्स यानी कि द्रव रूप में जो पदार्थ आपके पास अगर हैं तो उनको उनसे भी आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और अपने ऑब्जर्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे कि वेनेगर है वो मिक्स हो जा रहा है वाटर पे, लेमन जूस है वो भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, मस्टर्ड ऑयल ऑयल होता है इसकी डेंसिटी जो होती है वह वाटर से ज़्यादा होती है इसलिए ऊपर आ जाता है, कोकोनट ऑयल ये भी ऊपर आ जाएगा, केरोसिन भी ये भी जो है नॉट मिक्सिस वेल होगा इसमें, ये तीनों जो ऑयल हैं ये नॉट मिक्सिस विथ वाटर होंगे, ठीक है, क्योंकि ये मिक्स नहीं होते हैं। तो हमने क्या नोटिस किया इसमें, इस जो हमारा एक्सपेरिमेंट हमने किया था इसमें एक्टिविटी 5 में, इससे हमने क्या ऑब्जर्व किया, तो वी नोटिस दैट सम लिक्विड्स गेट कम्प्लीटली मिक्सड विद वाटर, कि कुछ पदार्थ जो हैं वो जल के साथ घुल जाते हैं, सम अदर्स डू नॉट मिक्स, और कुछ जो है पानी के साथ नहीं घुलते हैं, एंड फॉर्म अ सेपरेट लेयर विद व्हेन केप्ट असाइड फॉर सम टाइम, और एक अलग से अपनी लेयर यानी कि परत बना लेते हैं जब उनको हम कुछ देर छोड़ देते हैं, ठीक है। सम गैसेज आर सोल्यूबल इन वाटर वेयर एज अदर्स आर नॉट, कुछ गैसें जो होती हैं वह पानी में घुलनशील होती हैं और कुछ नहीं होती हैं। वाटर यूजली हैज स्मॉल क्वान्टिटीज ऑफ सम गैसेज डिजॉल्व इन इट, पानी में कुछ गैसों की बहुत कम मात्रा जो है घुली होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व इन वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट दैट लाइव इन वाटर, तो उदाहरण के लिए जो ऑक्सीजन गैस होती है वह पानी में घुली हुई होती है जो जल में रहने वाले जंतुओं और पौधों के सर्वाइवल के लिए यानी कि उनके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। तो आज हमने जो है इस प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स में मटेरियल्स का हार्डनेस और
उनकी सेलेबिलिटी और नॉन सेलेबिलिटी को जाना। ठीक है, अब हम अपने अगले वीडियो में फ्लोट और सिंक यानी कि डूबना और तैरना पदार्थों के इस गुण को जानेंगे। ठीक है।